दोस्तों अगर आप भी रोहित और शुभमन गिल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत से 3-0 से हारने के बाद बुरी तरीके से बौखला चुके हैं न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम, और अपने बयान में रोहित और गिल को ही हार का जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर हर कोई दंग है। आखिरकार क्या बोले टॉम लैथम, आपको उनके बयान का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित गिल और सूर्या में सबसे बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों साल 2023 का आगाज इससे बेहतर क्या ही होगा, हमारा देश श्रीलंका से जीता और अब तो न्यूजीलैंड को भी वनडे में हरा दिया है, वो भी 3-0 से। दोस्तों यकीन नहीं होता ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में जाकर उन्हीं की बैंड बजा कर आई है, और अब भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस अंदाज से इन्हें तीसरे वनडे मैच में हराया उसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है। तीसरे वनडे मैच की शुरुआत तो आप सबको याद ही होगी, शुभमन गिल और रोहित बल्लेबाजी करने आते हैं और ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि देखकर हर कोई दंग था। दोस्तों रोहित और गिल दोनों शतक लगाते हैं और इनकी शतकीय पारी ही मात्र 25 से 26 ओवर के अंदर ही भारत को 200 के पार ले जाती है। हालांकि इसके बाद हमारा मिडल ऑर्डर बुरी तरीके से टूट गया था, फेल हो गया था, लेकिन पांड्या ने आकर उस गद्दी को संभाला और 50 से ज्यादा रन की तूफानी पारी खेली जिसमें 3 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी शुमार थे। पांड्या की यही पारी बचा कुछ अकारे पूर्ण कर गई और हमें 386 का टारगेट स्कोरबोर्ड पर दिखने लगा। अब दोस्तों इतना बड़ा लक्ष्य चेस करना आसान तो नहीं, ऊपर से भारतीय गेंदबाजी की दमदार परफॉर्मेंस तो हमने सेकंड वनडे में देखी थी जब हमने गेंदबाजी के बल पर रायपुर में बाजी मारी थी, और दोस्तों जैसे ही गेंदबाजी में भी बारी आई तो भारतीय गेंदबाजों ने कुछ ऐसा हश्र कर दिया न्यूजीलैंड की टीम का जो वो सोच कर भी नहीं आए थे। पांड्या ने आते ही दूसरी गेंद पर ही विकेट दिला दिया फिन एलन का, वो भी शून्य पर। अब शून्य पर विकेट हो और सामने 400 जितना लक्ष्य हो तो जीत तो वैसे ही नामुमकिन हो जाती है। इसके बाद तो न्यूजीलैंड की टीम 200 ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। बीच में हेनरी निकोल्स 40 रन बना गए, डिवॉन कॉनवे भी अपने 150 के करीब 140 पर उमरान का शिकार बन गए, बाकी और खिलाड़ी कोई कुछ खास नहीं कर पाया और हमारी टीम ने इस मुकाबले को एक बहुत बड़े अंतर से जीता। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले को पूरे 90 रन के अंतर से जीता है, और ये जीत दर्शाती है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने क्या कुछ किया था इस मैच में अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से। खैर दोस्तों भारत इस मुकाबले को ही नहीं इस सीरीज को भी 3-0 से जीत चुका है, लेकिन दोस्तों जहां एक तरफ भारत की शानदार 3-0 की जीत से हर कोई बेहद खुश है तो एक खिलाड़ी का मुंह बहुत ज्यादा लटका हुआ है। आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान टॉम लैथम की। अब पहले वनडे मैच में विकेट के पीछे से ये किस कदर हमारे खिलाड़ियों को आउट करने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन हमने ही इनकी सारी विकेट गिरा दी और मैच 3-0 से जीत लिया। लेकिन दोस्तों उनका मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों के दोष की वजह से उनकी टीम हार गई है। आखिरकार हार के बाद बौखलाए उतावले टॉम लैथम ने अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। दोस्तों टॉम लैथम ने अपने बयान में कहा, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमारी गेंदबाजी में शुरुआत ही आज अच्छी नहीं थी, और जिस तरीके से रोहित और शुभमन गिल की बल्लेबाजी रही उन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को इतना ऊपर उठा दिया था कि वक्त रहते इससे पहले कि हम संभल पाते मिडल ऑर्डर के विकेट्स ले पाते तब तक स्कोरबोर्ड पर रन काफी ज्यादा लग चुके थे। हमारे खिलाड़ियों ने विकेट्स तो लिए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कहीं ना कहीं इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी हमें करनी चाहिए थी। विश्व कप से पहले ये हमारा आखिरी मौका है भारतीय सरजमी पर, और हमें अब पता लग चुका है कि किस तरीके से भारत की कमियों को खोजना है, भारत की दुखती रख क्या है। तो उम्मीद है T20 सीरीज से ही आपको उसका असर देखने को मिलेगा। हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी से अब ऐसा जवाब दे T20 सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम को कि उन्हें भी सबक मिल जाए कि न्यूजीलैंड की टीम कोई हल्की टीम नहीं। दोस्तों लगता है कि ज्यादा ही बौखला चुके हैं न्यूजीलैंड की टीम के करंट कप्तान टॉम लैथम, तभी तो हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं पा रहे कि भारत की सरजमी पर 3-0 से हार गए, वो भी उस साल में जिस साल में इसी सरजमी पर वर्ल्ड कप खेला जाना है। खैर दोस्तों भारत जीता है, शानदार तरीके से जीता है, 3-0 से जीता है। अब इस जीत का असली हकदार कौन है, रोहित या शुभमन गिल या कोई और खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।